आज की प्रैक्टिस सेट 18 में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले लगभग 20 सालों में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, तो आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे क्योंकि ये रेलवे का इतिहास रहा है कि वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे, ये सारे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको जीएस और करेंट अफेयर के बहुत सारे अपडेट मिलते रहते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पूछूंगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है, इसका उत्तर बताइए। देखिए, अंतरिक्ष में भेजे गए जो पहला भारतीय उपग्रह था, ठीक है, इसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, और इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। फिर से सुनिए, अंतरिक्ष में भेजे गए पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था और आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। और दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था, आंसर बताइए। देखिए, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि ये मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं बचा है पूरे भारत में, सारे एग्जामिनेशन में ये रिपीट होता रहता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत के किसी राज्यपाल की राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मतलब जितनी इवेंट पहली बार होते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपका है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था, तो देखिए इस प्लेस का नाम है बैकानूर, और बैकानूर कहाँ पर स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो देखिए, कजाकिस्तान यानी कजाकिस्तान जो है तो वहाँ पे प्लेस है बैकानूर, यहाँ से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह भेजा गया था। और ये कब भेजा गया था, देखिए भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह है इसका नाम था IRS-1A और इसका प्रक्षेपण किया गया था 17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। तीसरा प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि IIRS कहाँ पर स्थित है, उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है ये जो है उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। फिर से सुनिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कि IIRS कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। और चौथा प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, देखिए इसरो का नाम है, पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ISRO इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, देखिए जो हमारा डेली करंट अफेयर सेशन का वीडियो होता है, ठीक है, उसमें मैं डेली लगभग अगर इसरो से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो वहाँ पे जरूर बताते रहता हूँ कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, और इसरो के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो डेली करंट अफेयर सेशन से जुड़ जाइए अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं एग्जाम वॉरियर अकेडमी चैनल पर। देखिए, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। देखिए, इसरो जो है इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी 15 अगस्त 1969 को। और पांचवा प्रश्न है कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है, देखिए बहुत सारे ऐसे रॉकेट हैं जो यहाँ से लॉन्च किए गए हैं, उत्तर बताइए कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो आपका थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये आपका केरल राज्य में स्थित है, और इस थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का पूरा नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में TERLS कहते हैं, और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में, यानी कि केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे एक प्लेस है थुम्बा, वहीं पर जो है इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का जो है स्थित है। और छठा प्रश्न है कि क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, या फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, या फिर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, या फिर -120 डिग्री सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड हो, तो उत्तर बताइए क्रायोजेनिक ताप जो है ये कितना होता है। देखिए, क्रायोजेनिक ताप से आशा है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान, ठीक है, माइनस में यानी कि बहुत ठंडा होगा आपका, तो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर से आशा आपका है क्रायोजेनिक ताप से, ठीक है।
और सातवां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर बताइए, यहाँ पे चार विकल्प आपको दिख रहे हैं, आराम से पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए, जो कि क्रायोजेनिक इंजन होते हैं तो इसमें जो है द्रव ऑक्सीजन आक्सीकारक के रूप में और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। और देखिए, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जो आपके ये क्रायोजेनिक इंजन है, जैसे जो आपके रॉकेट वॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, अभी आगे के प्रश्नों में ये क्लियर हो जाएगा, तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए, जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है तो इसमें जो है लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि द्रव ऑक्सीजन जो है ये आक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन जो है ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। आठवां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है। देखिए, अभी हमने ईंधन के बारे में बात की थी, अब इंजन की बात कर ले रहे हैं, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है। देखिए, जो आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है इसका प्रयोग हम रॉकेट में करते हैं, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम किसमें करते हैं, रॉकेट में करते हैं। देखिए, क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के क्रायो शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है हिमशीतित या फिर आइस कोल्ड या फिर निम्नताप। और नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक टैंक प्रतिरोधी यानी कि एंटी टैंक मिसाइल है, उत्तर बताइए। देखिए, ये प्रश्न चोरी किया गया है रेलवे के एग्जामिनेशन से, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका नाग है, ठीक है, नाग जो है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है यानी कि टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, और नाग जो है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, यानी कि इसको दागो और भूल जाओ। अगर आपने इसको दाग दिया कि भैया तुमको यहाँ पे जाके इस टारगेट को कंप्लीट मतलब इसको नष्ट करना है, तो ये टारगेट भले ही भागते रहे, ये इसके पीछे दौड़ा के इसको मार के ख़त्म करेगा। तो दागो और भूल जाओ कहते हैं नाग के रेफरेंस में, और नाग एक टैंक प्रतिरोधी यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देखिए, जो आपका नाग मिसाइल है ये एक इंडियन थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसका जो सर्वप्रथम परीक्षण है ये 24 नवंबर 1990 को किया गया था, ठीक है। दसवां प्रश्न है कि भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, उत्तर बताइए। देखिए, जो भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है इसका नाम त्रिशूल है। देखिए, त्रिशूल को जो है एक एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है त्रिशूल मिसाइल आपका जो है। और आपको बता दूं, देखिए, पृथ्वी और अग्नि जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। यहाँ पे जो पृथ्वी है और अग्नि दिख रहे हैं, तो पृथ्वी और अग्नि क्या है, ये सतह से सतह पर यानी कि हम जमीन पे यहाँ पे हैं, पृथ्वी का ये सतह है, तो अगर हम जमीन पे हैं और पाकिस्तान में कोई टारगेट यहाँ जमीन पर है, तो हम अपना जो है अग्नि मिसाइल या फिर पृथ्वी मिसाइल लगेंगे और ऐसी ये मिसाइल वहाँ जाएगा और ऐसे मार के उसको जो है धमाक से जो है मतलब पूरा नष्ट कर देगा, ठीक है। तो पृथ्वी और अग्नि क्या है, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। बाकी एक और आपका बच रहा है नाग, नाग के बारे में मैंने आपको बताई दिया है कि ये जो है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि अर्जुन क्या है। देखिए, अर्जुन जो है ये एक मिसाइल है या फिर टैंक है या फिर प्रक्षेपण यान है या फिर उपग्रह है, उत्तर बताइए। देखिए, ये सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं डेली करेंट अफेयर सेशन में। देखिए, जो आपका अर्जुन है ये एक टैंक है, ठीक है, जो कि और देखिए, जो आपका अर्जुन है ये एक विध्वंसकारी आधुनिक टैंक है। इसका विकास डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहयोग से किया था। 12वां प्रश्न है कि इंद्र क्या है, बताइए। इंद्र भगवान के बारे में ही बात हो रही है जो पानी बरसाते हैं। इंद्र क्या है, ये प्रक्षेपास्त्र है या फिर चालक रहित विमान है, रडार है, टैंक है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। देखिए, जो आपका इंद्र है ये एक राडार है, ठीक है। तो इंद्र क्या है, ये एक राडार है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। देखिए, जो आपका इंडियन डॉपलर राडार इंद्र है, ठीक है, यानी कि इंद्र का पूरा नाम क्या है, इंडियन डॉपलर राडार, शॉर्ट में इसलिए INDR इसको नाम दिया गया, DRA। तो देखिए, जो आपका इंद्र यानी कि इंडियन डॉपलर राडार है ये जो है डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा, किसके लिए, आर्मी और एयरफोर्स के लिए। इसको आप कहीं भी लाद के गाड़ी पे ले जा सकते हैं, इससे सिग्नल वगैरह मिलते रहेगा और कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने विमानों को कंट्रोल करके इस राडार के माध्यम से। और इस राडार के माध्यम से आप जान सकते हैं कि दुश्मन का कौन सा विमान हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा है, रास्ते में उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो जो आपका इंद्र है ये क्या है, एक राडार है और उसको DRDO ने बनाया था आर्मी और एयरफोर्स के लिए। 13वां प्रश्न है कि भारतीय तकनीकी से विकसित तेजस विमान तेजस क्या है, बताइए जल्दी से। तेजस क्या है, एक पनडुब्बी है या फिर प्रक्षेपास्त्र है या फिर विमान है या फिर पोत है।
देखिए जो आपका तेजस है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। तेजस जो है ये भारत का एक हल्का लड़ाकू विमान है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए तेजस एक हल्का और चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसका नामकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है कि तेजस का नामकरण किसने किया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री जब इसको लॉन्च किया था, ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने इसको तेजस नाम दिया था। और इस तेजस नाम के हल्के और चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है विकसित किया गया था, किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए। तो काफ़ी हल्का ये लड़ाकू विमान है और अभी इसका डेवलपमेंट चालू है। 14वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सौर्य से संबंधित है, उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पे विकल्प जो दिया गया है, इसमें पहला विकल्प है सौर्य जो है ये थल से वायु में मार करने वाला मिसाइल है, या फिर थल जो है थल से मतलब सौर्य जो है ये थल से जल में मार करने वाला मिसाइल है, या फिर थल से थल पर मार करने वाला मिसाइल है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है, उत्तर बताइए सौर क्या है। देखिए जो आपका सौर्य है, सौर्य जो है ये आपका थल से थल पर मार करने वाला एक मिसाइल है, और जो आपका सौर्य नामक ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर। 15वां प्रश्न की भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किस देश की सहायता से किया है, उत्तर बताइए। देखिए भारत ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया है रूस के सहयोग से, ठीक है। देखिए ब्रह्मोस को जो है शिप सबमरीन एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से जो है लॉन्च किया जा सकता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। याद रखेगा कि जो आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, तो इसको रूस के सहयोग से भारत ने विकसित किया है। 16वां प्रश्न है कि ऑपरेशन शक्ति 98 किसका अन्य नाम है, उत्तर बताइए। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए पढ़ के। देखिए ऑपरेशन शक्ति 98 जो है ये पोखरण में हुए 1998 में परमाणु अभियान का अन्य नाम है, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका पोखरण सेकेंड यानी कि जो आपका दूसरा ये परमाणु परीक्षण होता है पोखरण में, ठीक है, तो उसको पोखरण सेकेंड टेस्ट कहा जाता है। तो द पोखरण सेकेंड टेस्ट वेयर अ सीरीज न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन कंडक्टेड इन इंडिया बाई द इंडियन आर्मीज पोखरण टेस्ट रेंज इन मई 1998, ठीक है, तो 1998 में मई महीने में हुआ था ये जो आपका ऑपरेशन शक्ति 1998 यानी कि पोखरण में हुआ 1998 में परमाणु अभियान था, ठीक है। और इट वॉज द सेकेंड इंस्टेंट न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्टेड बाई इंडिया, द फर्स्ट टेस्ट कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। देखिए मैं आपको उसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया, कभी पढ़ता नहीं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा मन कर दिया था। देखिए जो हमारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण है ये कब हुआ था, 1974 में, और इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और जो हमारा भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है इसको ऑपरेशन शक्ति 98 नाम दिया गया था, क्योंकि 98 क्यों लगाया इसका नाम के आगे, क्योंकि 1998 में राजस्थान के पोखरण में ये अभियान चलाया गया था, ये परीक्षण हुआ था दूसरा वाला परमाणु परीक्षण, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। और जो आपका ये दूसरा वाला परमाणु परीक्षण था ऑपरेशन शक्ति 98, ठीक है, तो ये मई महीने में 1998 में हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरे परमाणु परीक्षण समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। 17वां प्रश्न है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ब्लैक होल का सिद्धांत है इसको एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ब्लैक होल क्या होता है, देखिए ब्लैक होल स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहाँ पर भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है ब्लैक होल। देखिए इसकी खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता, अगर आप इसके आसपास जाएंगे एक भंवर टाइप का होता है ये खींच के आपको अपने गड्ढे में लेके चला जाएगा, आपका सुरमा बना देगा पीस के आपको, ठीक है। तो प्रकाश भी यहाँ पर प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकलता है, यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ घुसा तो फिर अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये जो है अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कौन, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की ये विशेषता होती है और इसको आप नोट कर सकते हैं। 18वां प्रश्न की वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, देखिए पिछले प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। देखिए जो आपके एस चंद्रशेखर हैं ये एक नक्षत्र भौतिकी वैज्ञानिक थे, और इनको जो है नक्षत्र भौतिकी में जो है क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 19वां प्रश्न की वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की किस खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बताइए। देखिए आइंस्टाइन का ये जो खोज था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए जो है फेमस है,
आइंस्टीन की फोटो यहाँ पे दिख रही है आपको। देखिए 1921 में इन्हें जो है यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देखिए 1915 में जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था यानी कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, पहला प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए, दूसरा 1915 में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है जो आपका थियरी ऑफ रिलेटिविटी है या फिर सापेक्षता का सिद्धांत है, तो ये जो है किसने प्रतिपादित किया था, ये दिया था किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 20वां प्रश्न है कि आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। देखिए ये प्रश्न पीसीएस में यूपीएससी यानी कि आईएएस तक के एग्जाम में पूछा चुका है, रेलवे में भी पूछा चुका है। तो उत्तर बताइए आइंस्टाइन यानी कि आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। देखिए आइंस्टीन बजाता था वायलिन और पियानो, ठीक है। यहाँ पे इसकी पुरानी फोटो भी दिख रही है वायलिन बजाते हुए और पियानो। तो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे दुनिया के, और ये वायलिन और पियानो बजाते थे। तो इसी के पियानो के साथ और वायलिन के साथ हम अपना वायलिन बंद करते हैं आज। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको मतलब इस वीडियो को लिंक को तुरंत कॉपी कीजिए और उसको शेयर कर डालिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसी साथ आपके आने वाली परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।